एक बारी जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी पंजाब दे संगरूर शहर पहुंचे अते शहर दे बाहर वार एक खाली थां ते बह के भाई मरदाना जी दे नाल शब्द कीर्तन गाउण लग पए। गुरु जी दे शब्द कीर्तन करद्या करद्या तेज हनेरी आउणी शुरू हो गई अते देखद्या ही देखद्या इस हनेरी ने भयानक तूफान दा रूप धारण कर लिया। इन्ना भयानक तूफान देख के भाई मरदाना जी बहुत घबरा गए अते सतगुरु जी नूं कहण लगे कि गुरु जी मैनू लगता है कि असी इत्थे आके बहुत वड्डी गलती कीती है क्योंकि इन्ना तेज तूफान मैं अपनी जिंदगी विच पहला कदी भी नहीं देखिया। भाई मरदाने की इस हालत नूं देख के गुरु नानक देव जी ने भाई मरदाने नूं हौसला दिता अते कहा कि मरदानिया तू डर ना क्योंकि एक कलयुग है तू सिर्फ वाहेगुरु का सिमरन कर तेरे नेड़े तेड़े कोई भी बला नहीं आवेगी। भाई मरदाने ने गुरु नानक देव जी की आग्या नूं मन्या अते लगातार वाहेगुरु जी का सिमरन करते रहे। तूफान ने कई तरह के भयानक रूप धारण किए पर गुरु जी अते भाई मरदाना अडोल हो के वाहेगुरु जी का सिमरन करते रहे। गुरु नानक देव जी ने भाई मरदाने नूं कहा कि यमलोक का तो सिर्फ उन्हों ही डर है जिहड़ा परमात्मा तो दूर है। संतां नूं तां रब का सहारा है जिसने पूरी सृष्टि बनाई है। जदों कलयुग ने गुरु जी के मूहों ये उपदेश सुनिया तो उसने मानव का रूप धारण कर लिया अते गुरु जी दे सामने आ गया। कलयुग ने गुरु जी नूं कहा कि सतगुरु जी मैं तुहाड़ी महिमा नूं नहीं सी जानता, मैं नहीं सी जानता कि तुसी कौन हो, कृपा करके मैनूं माफ कर दिओ। मैं सिर्फ धरती दे एक उदाहरण दे रूप विच आया हाँ पर मेरा सामना तुहाड़े नाल हो गया। हे सतगुरु जी मेरे राज विच इंसान हनेरे विच ही गिरदा जा रहा है। मेरा सेनापति झूठ निंदिया चुगली है अते जुआ शराब ते बुरे काम मेरी फौज हन। मेरे इस राज विच काम क्रोध मोह अते लोभ ये सारयां दा राज चलदा है। मेरे राज विच इंसान परमात्मा नूं भुल के माया दी चपेट विच आ चुकिया है अते कोई विरला वांझा ही है जिहड़ा मेरी इस फौज तों बच पाया है। किसी भी इंसान दे अंदर सबर संतोख लभना बड़ा ही मुश्किल है। करोड़ां दी गिनती विचों कुछ ही इंसान हन जिहड़े मेरे इस जाल तों बच पाए हन। गुरु नानक देव जी ने कलयुग नूं कहा कि जेकर तू इस फौज का सरदार है तो असी भी उस करतार दे नौकर हाँ अते तेरा हिसाब भी साढ़े कोल ही आवेगा। गुरु जी दे मूहों ये गल सुन के कलयुग गुरु जी दे अगे झुक गया अते कहण लगा कि हे सतगुरु जी मैं जानता हाँ कि तुसी पीरां दे पीर हो अते परमात्मा का दूजा रूप हो। मेरी बेनती है कि मेरे ते कृपा करो। इस दे नाल ही कलयुग ने गुरु जी नूं भेट देण दी भी कोशिश कीती अते कहा कि हे गुरु जी तुसी मेरे कोलो 9 निधियां अते 18 सिद्धियां लै लवो। इस नाल तुसी जिथे चाहो उत्थे ही जा सकते हो अते कोई भी तुहानू रोक नहीं सकता। सारी दुनिया तुहाडे कोलो डरेगी अते चित लगा के तुहाडी पूजा भी करेगी। तां जाणी जाण गुरु नानक देव जी कलयुग की इस गल तो मुस्कुराए अते 9 निधियां 18 सिद्धियां लैण तो ना कर दित्ती। जिस तों बाद कलयुग ने गुरु नानक देव जी नूं होर भी कई तरह दीआं भेटां देण दी कोशिश कीती पर गुरु नानक देव जी कलयुग की किसी भी गल नाल राजी नहीं होए। तो अखीर विच कलयुग ने गुरु जी नूं बोलिया कि हे दीन दयाल जी तुसी मेरे राज विच मनुख दे रूप विच जन्म लिया है अते मैनूं तुहाडे चरणां विच आण के तुहानूं मिलण दा मौका मिलिया है पर मैनूं डर है कि यह मेल किते फजूल ना जावे। हे सतगुरु जी तुसी मेरी किसी भी भेटा नूं स्वीकार नहीं किया। जेकर तुसी मेरी किसी भी भेटा नूं स्वीकार कर लवोगे तो तुहाडी मेरे उपर बड़ी कृपा होवेगी, नहीं तो मेरा मन हमेशा लई बहुत दुखी रहेगा। गुरु नानक देव जी ने कलयुग नूं कहा कि जेकर तू मैनूं भेटा देना ही चाहुंदा है तो फिर कोई अजिही भेट दे जिस नाल मेरे भगतां ते तेरी फौज चढ़ाई ना कर सके। ता कलयुग गुरु जी नूं दोनों हथ जोड़ के कहण लगा कि हे सतगुरु जी मैं तुहाडे दोनों चरणों नूं पूज के ये कहिंदा हाँ कि तुसी जिहड़ी भी आग्या मैनूं देवोगे मैं तुहाडी आग्या दा पालन करांगा। तो सतगुरु जी ने कलयुग नूं कहा कि जिहड़ा मनुख तेरे राज विच परमात्मा दे नाम नाल जुड़ेगा चोरी निंदिया हंकार अते मोह माया ते बुरे कम्मां तो दूर रहेगा उस मनुख ते तेरा कोई भी असर नहीं होवेगा। जिस तों बाद कलयुग ने सतगुरु जी नूं भेट दित्ती कि जिहड़ा इंसान परमात्मा दे नाम नाल जुड़िया रहेगा उस इंसान दे उत्ते मेरी फौज किसी भी तरह की चढ़ाई नहीं करेगी। कलयुग ने सतगुरु जी नूं भेट देण तों बाद सतगुरु जी तों वर लिया अते सतगुरु जी दे चरणां नूं छू के उत्थों चला गया। गुरु प्यारियो
अज दी साखी तो सानू ए सिख्या मिलती है कि जेड़ा इंसान कलयुग विच परमात्मा दे नाम नाल जुड़िया रहेगा अते चंगे कर्म करेगा उस इंसान उत्ते कलयुग दा कोई भी असर नहीं होवेगा अते ओ इंसान परमात्मा दी हर खुशी दा आनंद माणेगा। गुरु प्यारियो, वीडियो जेकर चंगी लगी होवे तां इसनू ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो। सतनाम वाहिगुरु।